हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है आप लोगों के लिए, जो कि कॉस्मेटिक शॉप बिल्कुल भी नहीं चल रही है, खोल के पछता रहे हैं, परेशान हो गए हैं, कैसे क्या करें। न्यू दुकान खोल रखी है आपने, बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ठप हो रखी है, ऐसा क्या करें। ठीक है, बहुत सारे मेरे जो यूट्यूब पर फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि बिल्कुल भी शॉप नहीं चल रही, 7-8 महीने हो गए न्यू शॉप खोले हुए, तब तो चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, पहले से भी कम कस्टमर आ रहे हैं, जो पहले कस्टमर आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉस्मेटिक शॉप पर कस्टमर क्यों नहीं आते, सबसे पहले रीज़न होता है वैरायटी नहीं होती कॉस्मेटिक शॉप पर, तब कस्टमर नहीं आते हैं। जैसे अगर आपके पास कम वैरायटी, मतलब कम सामान है, तो आपके पास कस्टमर बहुत कम आएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है कॉस्मेटिक शॉप में, तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं, लोग आपके शॉप पर वैरायटी, मतलब सामान दे करके आते हैं। जबकि आपके आपके शॉप में सामान होगा ज़्यादा, तभी आपके शॉप पर कस्टमर आएंगे। अगर आपके शॉप पर कम सामान है, तो बिल्कुल भी जो भी कस्टमर है वो बहुत ही कम चढ़ता है आपके शॉप पर, सोचते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो हम बड़ी दुकान से ले लेंगे। ठीक है, सबसे मेन रीज़न तो कॉस्मेटिक पर कस्टमर ना चढ़ने का ये रीज़न होता है। क्योंकि हम भी जब भी कहीं जाते हैं बाहर, तो हम पहली बात तो देखते हैं किसके पास सामान ज़्यादा है। ठीक है ना, जब किसी का बाहर भी, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोले हुए हैं तो बाहर भी आप टांगे, बाहर से पता चलता है, बाहर अंदर भले कुछ ना हो, पर बाहर जब ज़्यादा सामान टंगा होता है ना, तो लोगों को ये लगता है कि कॉस्मेटिक शॉप इसकी भरी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि सामने उसका दिख रहा है। अगर आपने अंदर जितना भी भर लिया माल और बाहर आपने कुछ भी नहीं टांग रखा है, तो आपका कॉस्मेटिक शॉप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि लोग दूर से देखते हैं, दूर से देख के आते हैं कि भाई कॉस्मेटिक शॉप है। अगर आपका बाहर सामान टंगा ही नहीं है, लटका ही नहीं है, तो आपको कॉस्मेटिक शॉप कैसे पहचानेंगे कि आपकी शॉप है। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्मेटिक शॉप पर बाहर की तरफ सामान ज़्यादा टांगना है, बाहर की तरफ मतलब दिखाना है कि हमारी कॉस्मेटिक शॉप में ज़्यादा सामान है, अंदर भले ही कम हो कोई टेंशन नहीं है। तो बाहर के लिए, बाहर जब सामान टंगा रहता है तो कस्टमर खिंचे हुए आते हैं। पहली बार तो 7-8 महीने हो गए कॉस्मेटिक शॉप पर, तो यही आपको ट्रिक आजमानी है। सबसे पहले तो बाहर आपको सामान टांगना होगा, तभी आपकी कॉस्मेटिक शॉप जो कि है काफ़ी चलने वाली है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे कॉस्मेटिक शॉप पर जब सामान नहीं होते, बिल्कुल कम सामान होते हैं, अगर हमारे हमने अंदर मतलब बाहर भी टांग दिया सारा सामान और हमारे पास सामान बिल्कुल भी अंदर नहीं है, तो भी कॉस्मेटिक शॉप पर क्या होता है, आते हैं कस्टमर और चले जाते हैं। तो आपको अंदर भी सामान रखना है, अंदर भी सामान भरना है आपको, सारा कुछ। ठीक है, सब कस्टमर आपको मतलब दिखाने के लिए तो आपको बुलाना ही है, मतलब अंदर लेने के आना है, पर आपके कॉस्मेटिक शॉप में भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो वो इंसान टिकेगा, कोई भी कस्टमर टिकेगा। तो आपको क्या करना है, कॉस्मेटिक शॉप पर मतलब सामान भर लेना है, वैरायटी बनानी है आपको। ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप पर हमेशा वैरायटी बनाइए, वैरायटी से ही कस्टमर आते हैं आपको, है ना। सबसे पहले तो सारी वैरायटी, मतलब ज्वेलरी की वैरायटी, लिपस्टिक की वैरायटी, जो मेकअप का सामान होता है उसकी वैरायटी, सारी और आइटम की वैरायटी बनानी है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, एक मतलब एक काजल के तीन ब्रांड रख सकते हो, ब्लू हेवन, लैक्मी, एलोटिन, तीन ब्रांड के हो गए। तो अगर कोई भी कस्टमर आता है आपके शॉप में, अगर उसको है ना लैक्मी नहीं चाहिए, ब्लू हेवन चाहिए, तो आप लैक्मी नहीं दे सकते ना। अगर किसी कस्टमर को लैक्मी ही चाहिए, ब्लू हेवन ही चाहिए, तो हम लैक्मी कैसे पकड़ा सकते हैं, वो नहीं लेगा ना, सामान चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर मतलब हर जो भी प्रोडक्ट की वैरायटी बनानी है, हर कंपनी के रखने हैं, तो इस तरह से जो कि है कस्टमर जो भी अगर वो डिमांड करे, तो उसको उस टाइम मिल जाए। ठीक है, अगर वो उस टाइम नहीं मिलता, तो कस्टमर सोचता है इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसने बस ऐवी दुकान खोल रखी है। तो इसको आपको क्या करना है, अपनी शॉप पर वैरायटी बनानी है, वैरायटी बनाओगे तभी कस्टमर चढ़ते हैं और तभी डिमांड करते हैं और चीज़ों की, कि भाई ये सामान और ले आ देना। क्या है ना, पहली बार जब सामान कस्टमर को मिल जाता है ना, तो दूसरी बार जब सेकंड बार आपके पास में आता है ना, तो वो अगर आपके पास सामान नहीं होता, तो वो ये कहता है कि आप मंगवा लीजिएगा, मैं कल ले जाऊँगी, ठीक है, परसों ले जाऊँगी, ऐसे करता है, डिमांड करता है। तो ऐसा क्या होता है, आपके कस्टमर बढ़ते हैं। तो आपको पहली बात तो कॉस्मेटिक शॉप 7-8 महीने हो गए, या कोई न्यू शॉप है, तो आपको वैरायटी और बनानी होगी, क्योंकि आपने जो जितनी सामान लिया है उससे और वैरायटी बनाई है। वैरायटी बनाएंगे तभी आपकी जो कॉस्मेटिक शॉप है चलेगी। तो बिल्कुल ही मत पछताइए कॉस्मेटिक शॉप खोल के, जब आपकी शॉप पर वैरायटी होती है तभी कस्टमर चढ़ते हैं। अगर बिल्कुल भी कॉस्मेटिक पर वैरायटी नहीं है, कोई मतलब थोड़ा ही सामान है, तो कोई भी कस्टमर ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे चैनल पर जो अगर वीडियो देख रहे हो, तो नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत हो गए मेरे, पर आप लाइक नहीं कर रहे, लाइक करिएगा। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट होगे, तभी आपको न्यू वीडियो आइडियाज़ की मिलती रहेगी। कॉस्मेटिक शॉप पे पहली बात तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है रखना, न्यू दुकानों के लिए तो बहुत पेशेंस रखना होता है। मैंने भी 1 साल तक पेशेंस रखा था,
जब मेरी शॉप अब अच्छे तरीके से चल रही है, लोग कस्टमर बन गए हैं, कस्टमर को हैंडल करना सीखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्या कि आपको बताऊंगी कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उन्हें कन्वेंस करते हैं कि सामान ले लीजिए, ठीक है। तो मैं सारी वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर तो प्लीज़ एक एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।